सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। नोटबंदी के फैसले ने कई लोगों को मुसीबत में डाला। उन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के कोरिया में रहने वाले पूरन चंद्र जैन, जो लंबे अरसे से पुराने नोटों का संग्रह कर रहे थे। अब नोटबंदी के फैसले के बाद वो अपना खजाना लुटाने पर मजबूर हो चुके हैं। एक पाक नंबर का शौक, शौक ऐसा जो बन गया जुनून और उसे बना दिया दीवाना नंबर 786। जी हाँ, 786 नंबर के हजार का नोट हो या फिर 500 का नोट, ऐसा कोई नोट नहीं है जो 786 की सीरीज में मौजूद ना हो। और ऐसे करीब 3 लाख से ज्यादा के नोट मौजूद हैं, जिनकी शुरुआत नंबर 786 से हुई या फिर आखिर का नंबर 786 हो। इन खास नोटों का संग्रह किया है कोरिया के चिरमिरी के रहने वाले पूरन जैन ने। पूरन जैन के मुताबिक 786 नंबर को इस्लाम में पाक और पवित्र नंबर माना जाता है। शुरुआत में श्रद्धा के साथ नोटों का संग्रह किया था, जो उनका जुनून बन गया है। देखिए, मैं जैन जरूर हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और इस्लाम के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता हूँ कि जो चीज उनके लिए पूज्य है वो हमारे लिए भी पूज्य है। इसलिए पूजनीय वस्तु जो चाहे किसी वर्ग के लिए हो, सबके लिए होती है। इसलिए मैं 786 का सम्मान करता हूँ। पूरन जैन 1970 से ऐसे नोटों का कलेक्शन कर रहे हैं। अब तक पूरन जैन ने इन नोटों को सहेज कर रखा था, लेकिन अब 500 और 1000 के नोट बंद होने से उनके पूरे परिवार को धक्का लगा है। उनकी सालों की मेहनत एक झटके में बिखर गई है। सालों से 786 के नोटों को इकट्ठा कर जो विशाल संग्रह बनाया, अब इस संग्रह को तोड़ना उनकी मजबूरी बन गया है। 1970 से इन 786 के नोटों का कलेक्शन कर रहा हूँ, और चूंकि यह 786 नंबर किसी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, जैसा मुझे जानकार लोगों ने बताया कि 786 इस्लाम धर्म में बहुत मान्यता रखता है और इसका हिंदू धर्म के ओम के समतुल्य होता है, इसलिए इसी श्रद्धा भावना को रखते हुए 786 नोटों का कलेक्शन करता हूँ। 500 और 1000 के नोट बंद होने के चलते पूरन सालों से बनाए अपने कलेक्शन तोड़ने को मजबूर है, जबकि इससे पहले वो कभी भी 786 अंक वाले नोट खर्च नहीं करते थे। सिर्फ हज या अजमेर शरीफ पर चादर चढ़वाने के लिए नोट देते थे। नोटों का उपयोग मैं संकलन में करता हूँ, और जब भी कोई अजमेर शरीफ या हज वगैरह करने के लिए लोग जाते हैं, जब मेरी जानकारी में आता है ये 786 के नोट ही मैं वहाँ चादर चढ़ाने के लिए देता हूँ। शौक कहें या फिर जुनून, शुरुआत पूरन जैन ने की थी, लेकिन अब पूरा परिवार उनका सहयोग करता था। किसी को भी खास नंबर वाला नोट मिलता है तो उसे खर्च करने की बजाय संग्रह में लाकर रख दिया जाता था, लेकिन अब नोट बंद होने से सबके चेहरे पर मायूसी है। ओबीसी हावी के तहत मैं पिछले 40 वर्षों से नोटों का कलेक्शन करता रहा हूं, और मेरी 786 के प्रति आस्था रही है, इसलिए प्रत्येक नोट मेरे पास जो भी कलेक्शन किए हुए हैं उनके प्रत्येक शुरू के 3 अंक या आखिरी 3 अंक में 786 नंबर है। ये दीवानगी बेहद जुदा है, मायने काफी हटकर हैं। शौक के तौर पर शुरू हुआ सफर आस्था के साथ जुनून बन गया था, लेकिन एक खबर से पूरन जैन के जुनून से बना उनका नोटों का महल बिखर गया। इसका दर्द वो शायद कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। दुलाल डे, बंसल न्यूज, कोरिया, चिरमिरी। जो विशाल संग्रह बनाया, अब इस संग्रह को तोड़ना उनकी मजबूरी बन गया है। 1970 से इन 786 के नोटों का कलेक्शन कर रहा हूँ, और चूंकि यह 786 नंबर किसी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, जैसा मुझे जानकार लोगों ने बताया कि 786 इस्लाम धर्म में बहुत मान्यता रखता है और इसका हिंदू धर्म के ओम के समतुल्य होता है, इसलिए इसी श्रद्धा भावना को रखते हुए 786 नोटों का कलेक्शन करता हूँ। 500 और 1000 के नोट बंद होने के चलते पूरन सालों से बनाए अपने कलेक्शन तोड़ने को मजबूर है, जबकि इससे पहले वो कभी भी 786 अंक वाले नोट खर्च नहीं करते थे। सिर्फ हज या अजमेर शरीफ पर चादर चढ़वाने के लिए नोट देते थे। नोटों का उपयोग मैं संकलन में करता हूँ, और जब भी कोई अजमेर शरीफ या हज वगैरह करने के लिए लोग जाते हैं, जब मेरी जानकारी में आता है ये 786 के नोट ही मैं वहाँ चादर चढ़ाने के लिए देता हूँ।
शौक कहें या फिर जुनून, शुरुआत पूरन जैन ने की थी, लेकिन अब पूरा परिवार उनका सहयोग करता था। किसी को भी खास नंबर वाला नोट मिलता है तो उसे खर्च करने की बजाय संग्रह में लाकर रख दिया जाता था, लेकिन अब नोट सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और इस्लाम के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता हूँ कि जो चीज उनके लिए पूज्य है वो हमारे लिए भी पूज्य है। इसलिए पूजनीय वस्तु जो चाहे किसी वर्ग के लिए हो सबके लिए होती है, इसलिए मैं 786 का सम्मान करता हूँ। पूरन जैन 1970 से ऐसे नोटों का कलेक्शन कर रहे हैं। अब तक पूरन जैन ने इन नोटों को सहेज कर रखा था, लेकिन अब 500 और 1000 के नोट बंद होने से उनके पूरे परिवार को धक्का लगा है। उनकी सालों की मेहनत एक झटके में बिखर गई है। सालों से 786 के नोटों को इकट्ठा कर नोट नहीं है जो 786 की सीरीज में मौजूद ना हो, और ऐसे करीब 3 लाख से ज्यादा के नोट मौजूद है जिनकी शुरुआत नंबर 786 से हुई या फिर आखिर का नंबर 786 हो। इन खास नोटों का संग्रह किया है कोरिया के चिरमिरी के रहने वाले पूरन जैन ने। पूरन जैन के मुताबिक 786 नंबर को इस्लाम में पाक और पवित्र नंबर माना जाता है। शुरुआत में श्रद्धा के साथ नोटों का संग्रह किया था जो उनका जुनून बन गया है। देखिए मैं जैन जरूर हूँ, लेकिन मैं सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। नोटबंदी के फैसले ने कई लोगों को मुसीबत में डाला। उन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के कोरिया में रहने वाले पूरन चंद्र जैन, जो लंबे अरसे से पुराने नोटों का संग्रह कर रहे थे। अब नोटबंदी के फैसले के बाद वो अपना खजाना लुटाने पर मजबूर हो चुके हैं। एक पाक नंबर का शौक, शौक ऐसा जो बन गया जुनून और उसे बना दिया दीवाना नंबर 786। जी हाँ, 786 नंबर के 1000 का नोट हो या फिर 500 का नोट, ऐसा कोई